नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत लोग और अर्थव्यवस्था की। भारत लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित चैप्टर 8 को हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर 8 का आज लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है लेक्चर नंबर 6। परिवहन और संचार की बात हम कर रहे हैं। परिवहन संचार की बात करते हुए हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब एक परिवहन बच्चा याद करो कौन सा, आपको बताते हैं ये वाला परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जो स्थल परिवहन का एक हिस्सा है। पाइपों के माध्यम से गैस को भेजा जाता है, पेट्रोल डीजल को भेजा जाता है, तरलीय पदार्थ और गैसीय पदार्थों को भेजा जाता है। तो क्या है पाइपलाइन परिवहन और कौन कौन सी इसकी लाइन है, वो सारी हम याद करने वाले। जैसे हमने रेल परिवहन जब पढ़ा तो उसके जोन याद करने में हमें थोड़ा जोर आया था क्योंकि 18 जोन में रेलवे को बांटा गया है, वो आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया। जब हमने वायु परिवहन पढ़ा तो भारत के एयरपोर्टों को हमने देखा, कहाँ कहाँ भारत में एयरपोर्ट है, वो सारे 27 एयरपोर्ट मैंने आपको याद कराए थे। 13 बड़े और 185 गौण थे, तो 13 बड़े वालों के साथ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वाले भी हमने लिए थे, वो भी आपने बहुत अच्छे से देखे। आज के इस लास्ट लेक्चर में हम परिवहन की बात करेंगे और परिवहन में पाइपलाइन परिवहन की बात करेंगे। अगला चैप्टर जो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा बेसिक आपको मैं यही बता देता हूं कि पूरा ही चैप्टर इससे इंटरलिंक है, मतलब इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे जो बिना वायु परिवहन के चल नहीं सकता और बिना जल परिवहन के चल नहीं सकता, इसलिए जिसको जल परिवहन आता है और जिसको वायु परिवहन आता है उसको ही वो चैप्टर समझ में आएगा। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले पाइपलाइन परिवहन की बात हम करेंगे और फिर बात करेंगे हम संचार की। किसकी बात करेंगे? संचार की। तो देखिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को। भारत में पाइपलाइन परिवहन का विकास एवं प्रसार, भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और कैसे हुई? तो 1964 में शुरुआत हुई। कब हुई? 1964 में असम के कई क्षेत्रों से शुरुआत हुई। कहां से शुरू हुई? असम के कई क्षेत्रों से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है ना। क्योंकि पहली जब पाइपलाइन बनाई गई तो डिगबोय क्षेत्र है असम का, जहां से पेट्रोल निकलता है, डिगबोय असम से पेट्रोल को एक पाइपलाइन के माध्यम से बेरोनी भेजा गया। किस जगह भेजा गया? बेरोनी भेजा गया, ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले, तो और उसे शुद्ध करने के लिए भेजा गया। किस लिए भेजा गया? यानी पेट्रोल जब हमने पढ़ा, हमने खनिज तेल पढ़ा है ना, पहले प्राकृतिक गैस मिलती है, फिर खनिज तेल मिलता है, फिर चूना पत्थर रहता है, फिर जल रहता है नीचे, है ना, चट्टाने रहती है, पढ़ा ना हमने। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ निकला करते हैं, जो पेट्रोल होता है वो कच्चा होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, कच्चा मतलब पूरी तरह से कच्चा ही होता है, उसे हम खनिज तेल यानी क्रूड ऑयल के रूप में जानते हैं। तो उसको फिर शुद्ध करने के लिए मतलब परिशोधन क्षेत्र में भेजा जाता है, यानी बड़ी फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो असम से उसको निकाला गया और उसे बेरोनी स्थान पर भेजा गया ताकि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके, शुद्ध करने वाली फैक्ट्री में वो भी काम कर सके। और इसीलिए वहाँ से वहाँ भेजने के लिए हम मालगाड़ियों के माध्यम से या फिर टैंकर के माध्यम से भेजने के बजाय हमने एक पाइपलाइन डाल दी। क्या डाल दी? ये तो टूटी फूटी पाइपलाइन है, ये तो पानी की दिखाई गई है यहाँ पे, लेकिन पाइपलाइन ऐसे होती है, समझे आप, ठीक है ना। तो एक बड़े बड़े पाइप को जमीन के अंदर खड्डा खोद कर उसमें डाल दिया जाता है और जहाँ से भेजना होता है वहाँ से जो है वॉल को खोल दिया जाता है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है। बीच में निगरानी भी होती रहती है, कहीं फूट नहीं गया, कहीं टूट नहीं गया, एक सायरन से लगे रहते हैं जो बता देते हैं बिप करके कि बीच में कहीं लीकेज हो गया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इस पाइपलाइन के माध्यम से जहाँ पहुँचाना होता है इसको पहुँचा देता है। तो ये पहला प्रयास था हमारा 1964 में। कब था? 1964 में भारत में पहली पाइपलाइन डिगबोय से बेरोनी तक 1964 ईस्वी में बनाई गई। कब बनाई गई? 1964 में बनाई गई। देखो कहां से कहां जा रही है, डिगबोय असम का क्षेत्र है, डिगबोय कहां का क्षेत्र है? असम का क्षेत्र है, ये देखो डिगबोय असम से कहां तक गई? बेरोनी बिहार तक। तो असम से बिहार तक गई, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं, या फिर डिगबोय से बेरोनी तक गई। सन आपको पक्का याद रखना है, ये पहली हमारी पाइपलाइन है। क्या है? पाइपलाइन। इसके द्वारा असम के तेल कुओं से, खासकर नहर कटिया मोरान
हुगरी जन क्षेत्र से कच्चे तेल को शोधन हेतु, शोधन का मतलब होता है शुद्ध करने के लिए, शोधन का मतलब क्या है, शुद्ध करने हेतु बेरोनी रिफाइनरी तक भेजा गया। बेरोनी रिफाइनरी, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि असम जो है, कौन सी जगह, असम, वहां से तेल को बिहार भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? क्योंकि इसको शुद्ध करना है, और शुद्ध करना कहलाता है परिशोधन। क्या कहलाता है? परिशोधन, या कहीं लिखा भी होगा, ठीक है ना। तो ये असम में कहां से, असम में मोस्टली डिगबोय क्षेत्र और नहर, नहर कटिया, मोहरान और हुगरी जन जो क्षेत्र है, वहां से इसको शोधन के लिए बिहार का जो बेरोनी स्थान है उस स्थान पर इसे भेजा गया है। 1964 की बात बता रहा हूं जब पहली बार भेजा गया। और ये एक पाइप है, ये क्या है, पाइप है, यानी पाइपलाइन है, इसके माध्यम से भेजा गया। पहला समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो परिशोधन मतलब शुद्ध करने के लिए, आ गया समझ में यहां तक। आगे देखिए, इस पाइपलाइन को बिछाने के पीछे दो कारण थे, एक तो बिहार के लोगों की स्थिति को सुधारना, रोजगार मिल जाएगा उनको। देखिए, पहला शोधित तेल की बिक्री हेतु बेरोनी के पास बड़ा बाजार उपलब्ध कराना, और दूसरा इसके द्वारा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को घटाने की, किसकी घटाने की मंशा थी। देखो ये पहला और ये दूसरा, भाई ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई कि मतलब तेल असम में निकल रहा है, डिगबोय क्षेत्र में निकल रहा है, तो वहाँ भी तो फैक्ट्री लगा के उसको शुद्ध किया जा सकता है, इसको हम बिहार तक पाइपलाइन बिछा के बिहार के लोगों को बेरोनी स्थान पर इसको शुद्ध करने की कहाँ जरूरत पड़ी। इसके पीछे दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो एक तेल का बड़ा मार्केट बिहार में लगाया जा सके, और इससे क्या होगा, इसमें मार्केट डेवलप हो जाएगा, पहला फायदा तो ये, और दूसरा बिहार के जो लोग हैं वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपने आप को एक्सपर्ट बना पाएंगे, और वहाँ का आर्थिक पिछड़ापन मतलब गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये दो इसके पीछे, पाइपलाइन के पीछे बड़े कारण थे। इस पाइपलाइन के पीछे बिछाने के पीछे दो कारण थे, पहला सऊदी तेल बिक्री है तो बेरोनी के पास बड़ा बाजार, और दूसरा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को घटाने की मंशा थी। इस रिफाइनरी के कारण बेरोनी से उर्वरक कारखाने भी स्थापित किए गए। इस रिफाइनरी के कारण बेरोनी जो जगह है वहां पे उर्वरक के जो कारखाने हैं वो भी यहाँ पे स्थापित किए गए। आगे देखिए, वर्तमान में जो उर्वरक के कारखाने हैं वो बंद पड़े हैं, ठीक है, लेकिन 1968 में कई बार पुणे इन्हें शुरू करने का प्रयास किया। बेरोनी के सऊदी तेल के परिवहन हेतु बेरोनी कानपुर पाइपलाइन का निर्माण भी किया गया। आगे देखिए, भारत के प्रमुख पाइपलाइन बताओ पहली कौन सी लगी थी, असम के नहर कटिया और डिगबोय क्षेत्र से बेरोनी बिहार तक, असम के बिहार के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए तथा बिहार में एक बड़ा बाजार बनाने के उद्देश्य से 1964 में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत हुई। अगर भारत में पाइपलाइनों को अगर हम देखें तो अशोधित पाइपलाइन ढेर सारी हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नहर कटिया। ये देखो दिख रहा आपको, अलग ही पानी नहीं है, मतलब ये पेट्रोल जैसा है दिख रहा आपको, तो ये इस पाइपलाइन के माध्यम से आया, इसका प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। भारत के प्रमुख पाइपलाइन जिसमें सबसे पहली हम पढ़ रहे हैं नहर कटिया बेरोनी पाइपलाइन, याद रखना आपको नहर कटिया बेरोनी पाइपलाइन ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये नहर कटिया असम से, जो हमने अभी देखी कुछ देर पहले, ये नहर कटिया असम से बेरोनी के बीच अत्यंत पुराना 1962 में पाइपलाइन स्थित है। मतलब नहर कटिया वही असम का डिगबोई वाला क्षेत्र असम से शुरू होती है, मतलब देखो कहां से ये पाइपलाइन बिछाई गई, इस प्रकार से नहर कटिया असम से इसे शुरू किया गया है, नहर कटिया असम से शुरू किया गया है और बिहार के बेरोनी स्थान तक ये जाएगी, ये पाइपलाइन जो है, समझ गए ना, इस प्रकार से, ठीक है। कब, 1962 में, तो ये आपको याद रखना है, बेरोनी बिहार तक लाया जाएगा। नहर कटिया पाइपलाइन आसानी से याद हो जाती है, नहर कटिया क्षेत्र से शुरू होती है और बेरोनी तक जाती है, 1962 आपको याद रखना है, बाकी नाम से ही पता चल रहा है नहर कटिया है कहाँ, ये आपको याद रखना है, तो सीधा सीधा याद हो जाता है नहर कटिया अपने आप में असम में है और बेरोनी बिहार में है, बस इतना याद रखना, ये आसानी से याद हो जाता है। बताओ पहली याद हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल होगी। आगे देखिए, बुम्बई हाई बुम्बई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, यानी बॉम्बे हाई और बुम्बई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन है ना, IOCL के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब सारी बात किसकी चल रही है यहाँ पे, बुम्बई की, किसकी बात चल रही है, बुम्बई,
ठीक है, क्या बात है इसकी। मुंबई के अपतटीय क्षेत्र तथा अंकलेश्वर के तेल कुओं से निकलने वाले अशोधित तेल को कोयली गुजरात के रिफाइनरी तक ले जाने के लिए इस पाइपलाइन का निर्माण किया गया। मतलब कहाँ से? मुंबई से, यानी महाराष्ट्र के उस क्षेत्र से गुजरात तक ले जाना इस तेल को, इस रिफाइनरी तेल को 1965 में इसका निर्माण किया गया। तो मुंबई से अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ है भाई? गुजरात। मुंबई हाई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मुंबई तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक चलिए मुंबई से अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जगह का नाम तो आपने सुना ही है, हमने तेल जब पढ़ा, खनिज तेल। देखो कुछ चीजें आपको यह जानी पहचानी लग रही है जो शुरू से पढ़ रहा है। अब भाई जो शुरू से नहीं पढ़ रहा है उसका तो क्या करे, पैराशूटिंग लैंडिंग करके आए तो उनको थोड़ा थोड़ा बता सकते बीच में। तो मुंबई आई से अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन तक IOCL मुंबई के अब तटीय क्षेत्र तक अंकलेश्वर के बीच ये 1965 में लगाएगी। आगे बात यहां तक समझ में। फिर तीसरे नंबर की देखिए, पारादीप। वो कौन सी? जो पहली वाली, वो 1962 में, ये सन आपको याद रखना है, और ये 1965 में, ये याद रखना है। अब तीन नंबर वाली पारादीप हल्दिया बेरोनी पाइपलाइन IOCL ओडिशा तट पर स्थित पारादीप से हल्दिया के बीच, कहां से कहां तक? पारादीप से। ये जो नाम दिख रहा है मुंबई से मुंबई अंकलेश्वर, पारादीप से हल्दिया, ये इसकी लंबाई है बस। इसके अलावा आपको सन याद करना है और दूरी याद करना है। सन नहीं है उसमें, दूरी दिखेगी। उड़ीसा तट पर स्थित पारादीप, यानी ये कहां स्थित है? उड़ीसा में। ये आपको याद रखना है कि ये जगह कहां है, उड़ीसा में। हल्दिया के बीच कितनी? 330 किलोमीटर तथा हल्दिया से बेरोनी के बीच 943 किलोमीटर ये पाइपलाइन बिछाया गया है। पारादीप हल्दिया तथा बेरोनी में तेल शोधन केंद्र लगाए गए हैं। हल्दिया से बेरोनी, फिर देखो आगे कहां जा रही है, बेरोनी तक। तो इसलिए तीनों का नाम आ रहा है, हल्दिया बेरोनी। यानी ये पाइपलाइन ऐसी है कि मतलब तीन क्षेत्रों को टच करते हुए जा रही है। पारादीप से शुरू हो रही है, हल्दिया जा रही है, फिर बेरोनी जा रही है। ये कहां? मुंबई हाई से मुंबई अंकलेश्वर जा रही है, मुंबई हाई से अंकलेश्वर जा रही है ये पारादीप से हल्दिया, और हल्दिया से बेरोनी जा रही है। अब पारादीप से हल्दिया की जो दूरी है वो 330 किलोमीटर है, और हल्दिया से बेरोनी फिर 943 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये तीसरी पाइपलाइन है। बताओ समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। आगे देखिए चौथी, सलाया मथुरा पाइपलाइन। मथुरा यूपी में है, सलाया गुजरात में है। मथुरा यूपी में और सलाया गुजरात में। देखो ऐसे, सबसे पहले आप ये चीज देख लिया करो कि किस राज्य में है। तो ये तो गुजरात है और ये यूपी है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसको आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। सलाया गुजरात के जामनगर जिले के बाडीनार नामक स्थान के पास तट पर स्थित है। सलाया जो है जामनगर, जो गुजरात का जामनगर है, सलाया गुजरात के जामनगर जिला के वाडीनगर नामक स्थान के पास है। मतलब ये जो जगह है इसको और डिटेल से बताया गया है कि सलाया जो है जामनगर जिले में है, यानी गुजरात का जो जामनगर जिला है वहां सलाया जगह है, गुजरात के जामनगर वाडीनार नामक स्थान है, यानी वाडीनार नामक स्थान के पास ही ये पाइपलाइन है, जो गुजरात का जामनगर जिला है सलाया के पास, ऐसे इसको याद किया जाता है। यहां से अशोधित तेल कोयली गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में इस पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। मतलब देखो कहां कहां भेजा जा रहा है। सबसे पहले पाइपलाइन का नाम क्या है? सलाया मथुरा, मतलब गुजरात और यूपी की, गुजरात। अब आप कहेंगे सर आप गुजरात और यूपी क्यों बता रहे हैं? सलाया जगह कहां है? गुजरात में। यूपी में कौन है? मथुरा। तो मथुरा और यूपी क्यों ही नहीं है? आराम से मथुरा, मतलब मथुरा यूपी में और सलाया गुजरात में, तो गुजरात और आराम से उत्तर प्रदेश की हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीन चार जगह जा रही है ये। सबसे पहले कोयली क्षेत्र गुजरात में जाएगी, फिर मथुरा उत्तर प्रदेश में जाएगी, और पानीपत को भी टच कर लेती है जो हरियाणा का है, उधर से जाते हुए पानीपत क्षेत्र को भी क्या कर लेती है, टच कर लेती है। तो ये चीजें याद रखें इसमें। तो ये हमारी चौथी वाली थी, सलाया मथुरा पाइपलाइन। देखो इतनी इस प्रकार से मजबूत होती है, वो जो स्टार्टिंग में की मैच आई थी वो तो पानी खेत में जो चलते हैं उसकी थी, लेकिन ये देखो कितना बड़ा पाइप है, इतने बड़े बड़े पाइपों का इसमें प्रयोग किया जाता है, तभी तेल को आसानी से पहुंचाया जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन वास्तव में सुचारू रूप से जल के लिए भी, गैस के लिए भी, तरलीय पदार्थ कोई सी भी हो सकती है, गैसीय पदार्थ कोई सा भी हो सकता है। जैसे भारत में, जैसे राजस्थान है, वहाँ एक नदी चलती है बनास नदी,
उसको टोंक जिले में रोक कर वहाँ से दो नहरें निकाली गई है बांध बनाकर, बिसलपुर बांध बनाकर, उसे पाइपलाइन के द्वारा वहाँ दो शहरों को पानी दिया जाता है, अजमेर और जयपुर को, एक पाइपलाइन के माध्यम से। तो पाइपलाइन ढेर सारे काम करती है, ठीक है ना। अब कितना, एक बार इसमें खूब खर्चा लगा, मतलब जितना लगना चाहिए उससे, उम्मीदों से ज़्यादा खर्चा इसमें लग जाता है, मतलब जितना सोचते हैं उससे तीन गुना खर्चा लग जाता है। पर वो एक बार लग गए, पाइप लगा दिए, चलो भाई छुट्टी। लेकिन रोज़ रोज मालगाड़ियाँ भर के, रोज़ रोज ट्रक टैंकर भर के कैसे ले जा पाते, इसलिए ये पाइपलाइन अच्छा साधन अपनाया। तो इसलिए इसको भी किस में माना गया है, परिवहन में, और ये ज़मीन पे होती है इसलिए स्थल परिवहन। या आपने देखा कहीं आसमान में उड़ती हुई जा रही, नहीं ना, इसलिए ये स्थल परिवहन में, ठीक है। तो ये सलाया और मथुरा जो गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है, तीन राज्यों में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम पाँचवीं पढ़ते हैं, मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन। गुजरात के तट में स्थित मुंद्रा से पानीपत हरियाणा के बीच है, गुजरात के तट पर है वो मुंद्रा, ठीक है ना। मुंद्रा कहाँ है, गुजरात के तट पर। पानीपत आप जानते ही है, पानीपत का युद्ध हुआ हरियाणा में। मुंद्रा कहाँ है, गुजरात में। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। तो ये आप आसानी से याद कर ले, एशोधित जल के परिवहन हेतु ये पाइपलाइन बिछाया गया है। वाडीनगर बिना पाइपलाइन BPCL, इस पाइपलाइन के द्वारा वाडीनगर जामनगर जिला गुजरात से बिना मध्य प्रदेश, बिना कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश। राज्य पक्का याद रख ले, बस और कुछ याद नहीं रखना आपको। यहाँ इस जगह से इस जगह, मतलब इस राज्य से इस राज्य तक। वाडीनार कहाँ है, शुरू में पढ़ा था हमने, दो वाली के अंदर लगभग। तो ये गुजरात की जगह है, कहाँ की जगह है, गुजरात की। तो ये गुजरात से मध्य प्रदेश के बीच है। इस पाइपलाइन द्वारा वाडीनार जामनगर जिला गुजरात से बिना मध्य प्रदेश अशोधित तेल को बिना रिफाइनरी में शोधन हेतु भेजा जाता है। कांडला बठिंडा पाइपलाइन, कांडला जो गुजरात में है, कांडला कहाँ है, गुजरात में है। बठिंडा कहाँ है, पंजाब में है। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया गुजरात। देखो राज्य याद हो रहे ना आपको, बस ये याद कर लो, बहुत बड़ी बात है, और कुछ याद ही नहीं करना इसमें। बठिंडा कहाँ है, पंजाब में, पंजाब। ये बस इतनी सी बात है, किस राज्य से किस राज्य में, और उस राज्य का स्थान। पाइपलाइन का नाम ही स्थान है, लेकिन स्थान है का तो राज्य का नाम। जैसे वाडीनार तो गुजरात याद आ जाता है, बिना मध्य प्रदेश में। कांडला बठिंडा पाइपलाइन, इसका मतलब कांडला जो जगह है वो गुजरात में, और बठिंडा पंजाब में, तो गुजरात पंजाब पाइपलाइन भी हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब एक पाइप जैसे मैं यहाँ से डालता हूँ और वो जयपुर तक जा रहा है, अब मैं कह देता हूँ कि अजमेर की किसी जगह का नाम लिख देता हूँ और जयपुर की किसी जगह का नाम लिख देता हूँ, लेकिन वो जयपुर और अजमेर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही राज्य का नाम याद रखना आपको, ठीक है ना। जैसे मैं राजस्थान के जयपुर से कोई पाइपलाइन डालता हूँ और बिहार के पटना तक वो जाती है, अब मैं कहता हूँ जयपुर पटना, तो हमें याद ये भी करना है कि जयपुर राजस्थान में और पटना बिहार में, तो बिहार बिहार राजस्थान भी बोल सकते हैं इसको। तो ये याद करते जा रहे हैं हम, इतनी बात है और कुछ भी नहीं है। किलोमीटर वगैरह आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां से कहां तक जाती है ये आपको पता होना चाहिए पाइपलाइन, ठीक है ना। से बठिंडा पंजाब के 1331 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के निर्माण की योजना है। ये IOCL के द्वारा बनाई जाएगी, किसके द्वारा, IOCL के द्वारा बनाई जाएगी। आगे देखिए, शोधित पेट्रोल पंप परिवहन हेतु पाइपलाइन है, इसमें दो ही देखेंगे। गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन जो IOCL 435 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1964 में IOCL द्वारा किया गया था। इस पाइपलाइन द्वारा गुवाहाटी के रिफाइनरी में शोधित तेल का परिवहन सिलीगुड़ी तक किया जाता है। शोधित तेल के परिवहन हेतु भारत का पहला पाइपलाइन था, यानी भारत का पहला पाइपलाइन है गुवाहाटी। शोधित तेल यानी तैयार तेल है ना, तैयार पेट्रोल डीजल हो जाता है। देखो ये जो पाइपलाइन पड़ रही है ये तो शोधित है, मतलब शुद्ध हो चुका है, और वो कैसा था, शुद्ध नहीं हुआ है, समझ गए अब तो बात को। तो ये गुवाहाटी से सिलीगुड़ी के बीच चलती है, बस और के कुछ है ही नहीं इसमें, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी के बीच चलती है बस। शोधित है मतलब प्योर तेल है बिल्कुल, ठीक है ना। आगे देखिए, बेरोनी कानपुर पाइपलाइन 745 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का निर्माण 1967 में किया गया, सन आप याद रख ले। बेरोनी कहाँ है बताऊँ मुझे, बिहार में, यूपी में क्या है, कानपुर, आसानी से याद हो जाता है। बेरोनी में शोधित तेल का परिवहन कानपुर तक इस पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। ये देखो ये वास्तव में एक्चुअल उसी पाइपलाइन की फोटो है। कानपुर तक इसका क्या किया जाता है, आना जाना इसका बना रहता है, और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो ये तो थी पाइपलाइन, ये क्या थी पाइपलाइन। भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक नया आगमन हुआ है, मतलब एक नई चीज़ अपडेट हुई है, किस में, परिवहन में। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, पढ़ चुके हैं हम, परिवहन खत्म होने वाला है, एक दो मिनट चलेगा, उसके बाद एक संचार टॉपिक है छोटा सा,
और फिर हम फिर इस चैप्टर से। तेल और प्राकृतिक गैस से लेकर रिफाइनरी तक, तीन प्लांटों से लेकर बड़े पैमाने पर ताप विद्युत संयंत्रों तक, कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के परिवहन तक, और यहां तक कि सॉलिड मसालों भी नासा में परिवर्तित पाइपलाइनों के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब एक नया ट्रांसपोर्ट चलता है जिसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी चीजों को भेज सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को भेज सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी अपडेट आने लग गया है। क्या आने लग गया? अपडेट। तो प्राकृतिक गैस से लेकर रिफाइनरी तक आराम से भेज सकते हैं, प्लांटों से लेकर बड़े पैमाने पर ताप विद्युत संयंत्रों को भी भेज सकते हैं। मतलब सारी चीजें इसके अंदर हम भेज सकते हैं। रिफाइनरी और गैस आधारित प्लांटों को सुदूर अंतर्देशीय स्थान तक ले जाया जा सकता है। रिफाइनरी और गैस आधारित जो प्लांट है उनके माल को दूर दूर तक ले जाया जा सकता है। इतना अपडेट हम ला रहे हैं, इस प्रकार से इसमें अपडेटिंग कर रहे हैं। पाइपलाइन की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन बाद में बनाने की लागत न्यूनतम है। मैंने ये तो शुरू में बताया, पाइपलाइन जब बनाते हैं एक बार पैसा लग जाता है, फिर टैंकर की छुट्टी, रोज रोज मालगाड़ियों में भर भर के ले जाने की छुट्टी, फिर सिंपली चलता रहता है काम और अपना काम हो जाता है। इसलिए पाइपलाइन परिवहन जो है शुरू में महंगा लगता है लेकिन बाद में बहुत फायदेमंद होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पाइपलाइन परिवहन बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे संचार। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? पाइपलाइन परिवहन। संचार आप सब जानते हैं, हमने पहली पिछली किताब में भी संचार से संबंधित बात की थी। थोड़ी बेसिक चर्चा मैं बता देता हूँ आपको, संचार क्या होता है। मतलब एक तो होता है संचार और एक होती है सूचना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ गुलगुले, मतलब आपने सुना ना गुलगुले, ये है क्या? सूचना। लेकिन आपने सुना किसके माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो क्या है ये? संचार। टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, दूरदर्शन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, आदि चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं भारतीय समाज में, वो सब क्या कहलाती? संचार के साधन। आपके जेब में जो मोबाइल है, आदि सोच रहे हैं जेब में कहाँ है, पढ़ रहा हूँ मैं तो मोबाइल से। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो क्या है? संचार का साधन। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप तक पहुँच पा रहा है, वो क्या है? सूचना। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि संचार और सूचना में अंतर क्या है। ये आपको अलग से लिख लेना है, ये मैंने नहीं लिखाया संचार और सूचना में अंतर क्या है, क्योंकि आपको समझा दिया पूरी तरह से और आगे पीछे के जो लेक्चर थे उनमें भी कई बार आया है कि सूचना वो है जो पहुंचाई जा रही है, संचार वो है जो माध्यम है। इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। अब इसको शुरू करते हैं शानदार तरीके से। देखिए समझिए अच्छे से, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। संचार। संचार का अर्थ, संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच तथ्यों, विचारों, अनुमानों, भावनाओं और बातचीत के पारंपरिक आदान प्रदान के को संदर्भित करता है। देखिए कैसे संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच, जैसे मैं और आप, ये चार पांच जने आप देख रहे हो, दो जने हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, संडे वार्ता चलेगी जैसे मान लो संडे को, तो दो टीचर, चार टीचर यहाँ बता रहे हैं, आप वहाँ सुन रहे हैं दो चार जने, तो ये क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच क्या हो रहा है? सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। अब वो कोई तथ्य हो सकते हैं, मैं आंकड़े बता रहा हूँ, भारत में इतने प्लेटफॉर्म है, इतने रेलवे स्टेशन है, इतने एयरपोर्ट है, ये मेरे विचार हो सकते हैं, आपके विचार भी जानता हूँ, इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि क्या चीज़ है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, बातचीत हो जाती है और आदान प्रदान हो जाता है विचारों का। मतलब वही बात है घूम फिर के आ रही, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, दो या दो से अधिक लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसे संदर्भित कर पाते हैं हर चीज को, और उसे हम संचार कहते हैं। संचार का अर्थ है शब्द, संकेत, भाषण, व्यवहार। जैसे मैं बोला शब्द, सुनाई दिया आपको, भाषा मतलब कुछ भी बोलूं तो आपको सुनाई दे रहा है, वो है शब्द। संकेत मतलब रेडी, ठीक है ना, तैयार हो जाइए ना, नाउ यू गो मतलब जाइए, मतलब ये इशारा क्या बता रहा है? जाइए मतलब आइए, ठीक है ना, तो संकेत भी होता है। भाषण दे रहा हूं मैं, है ना, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, ग्राम से पधारे हुए महानुभव, आप सबको विदित है कि आज हम ये मना रहे हैं, आज वो मना रहे हैं, वो क्या होते हैं? भाषण। वो भी क्या? एक सूचना है। व्यवहार, वो भी एक सूचना है। माध्यम संदेशों और विचारों और संपत्ति के आदान प्रदान का संगम होता है, एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे की बातों का इधर से उधर आदान प्रदान होता है, वो संचार है। अरे छोटी सी बात है संचार, मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं वो सूचना है, और ये जो माध्यम होता है ये संचार है। ये माध्यम क्या है? संचार। आगे देखिए,
संचार का महत्व क्या है, मतलब संचार जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम, देखिए एक एक चीज़ को। संचार का महत्व, संचार के साधनों में रेडियो व दूरदर्शन देशवासियों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। रेडियो, ये तो बात अच्छी है, और दूरदर्शन, यूट्यूब शिक्षा कम देता है और चीज़ें ज़्यादा दे देता है ना। तो यूट्यूब का सही इस्तेमाल किया जाए ना, तो यूट्यूब आज के ज़माने में और आज के समय में संचार और सूचना और एजुकेशन का सबसे बड़ा पात्र और रोल निभा रहा है। मतलब यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकते हो। गूगल और यूट्यूब आपके पास दो ऐसे साधन हैं कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं। आप बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो संचार का लेवल भारत का आज कम नहीं है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है भारत, एक अच्छा लेवल बना चुका है भारत सूचना में, मतलब एक विशिष्ट लेवल तक भारत चला गया। किस में? सूचना में। क्यों? क्योंकि जैसे कि यूट्यूब है, जैसे आपको कुछ भी देखना, आज आपको ट्वेल्थ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब ट्वेल्थ का टीचर नहीं है चाहे आपके स्कूल में, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। किससे संभव हो पाया? सूचना के साधन यूट्यूब से हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही क्या, वैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, आदि चीज़ें, विकिपीडिया है, गूगल जिसे हम कहते हैं, तो गूगल से आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं। गूगल पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी जानकारी नहीं है, आप गूगल पर हर चीज़ को देख सकते हैं। मतलब कोई 1% की मैं कहता नहीं, आप किसी भी, जैसे कि ये मार्कर है इसके बारे में डिटेल से देखना है, गूगल फटाफट से गूगल करो। दुनिया में कोई भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कोई डॉक्टर ने टेबलेट दिए, कितने की आ रही है, कैसे आ रही है, क्या क्या इसमें मिलाया गया, सारी जानकारी गूगल पे होती है, आप आराम से देख सकते हो। यूट्यूब पे पढ़ाई कैसे होती है, कैसे क्या किया जाता है, सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाती है आपको। गूगल आपको हर चीज़ बताता है, रास्तों तक बता देता है। गूगल मैप में हमें कहाँ जाना है, जैसे आपको मेरे पास आना है, आप डालोगे मोनू सर, आप डालोगे लर्न एंड शेयर, तो आप सीधे यहाँ घूमते घूमते आ जाएंगे। आपको गूगल लेके आएगा, इस गली से जाइए, फिर इधर टर्न लीजिए, फिर इधर लेफ्ट लीजिए, है ना, गाड़ी में पेट्रोल पक्का डलवा लीजिए, आपको ध्यान रखता है, गूगल नहीं बताएगा, है ना। तो मतलब संचार आज बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गया, और उपग्रह जो होते हैं ना वो भी तो बहुत कुछ बताते हैं। हम PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यहाँ से छोड़ते हैं, जो पृथ्वी से 36 किलोमीटर 1000 दूर जाके, मतलब आंध्र प्रदेश जो है वहाँ के सतीश धवन केंद्र से हैदराबाद से हम छोड़ते हैं, और वो सीधा रॉकेट के माध्यम से ऊपर चला जाता है और पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित हो जाता है। जैसे पृथ्वी घूमती है वो भी घूमता रहता है, और वहाँ से अपडेट देता रहता है कि पृथ्वी पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कैसे हैं, और सूचनाओं का माध्यम बनता रहता है। तो सूचनाएं देता रहता है मौसम से संबंधित, वो तो मौसम की सूचना देने वाला, वो भी एक सूचना का क्षेत्र है। तो सूचना का लेवल वास्तव में बहुत अच्छे से आज चला गया है, हम इस चीज़ को ही पढ़ रहे हैं। मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा भी प्रदान करते हैं। जैसे छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उसमें एप्पल आती है ऐसे लुढ़कती हुई, है ना, छोटे बच्चे देखते रहते हैं, एप्पल आती है लुढ़कती हुई, है ना, ए फॉर एप्पल, बच्चे को याद हो रहा है और उसका मनोरंजन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? बी फॉर बॉय, फिर एक छोटा सा बच्चा आता है ऐसे भागता भागता, बी फॉर बॉय, फिर एक बिल्ली आती है ऐसे, सी फॉर कैट, फिर एक डॉगी आता है इस प्रकार से, डी फॉर डॉग, है ना, तो ई फोर, फिर हाथी आता है ऐसे, है ना, हाथी के सूंड को हिलाते हुए, है ना, सूंड को हिलाते हुए, ई फेर एलिफेंट। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा कार्टून देख रहा है, मनोरंजन हो रहा है उसका, लेकिन इसके साथ साथ उसको क्या मिल रही है? शिक्षा। क्या मिल रही है उसको? शिक्षा। इसीलिए लिखा गया है कि मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। और रेडियो में देखो आप सॉन्ग सुनोगे, थोड़ी देर बाद न्यूज आ जाएगी, हम फलाने फलाने FM से बोल रहे हैं, देखिए आपके लिए डेलीगेशन और डेडिकेट किया गया सॉन्ग है, बाहर है फूल बरसाओ मेरा महबूब सनम आया, गाना सुना आपने, लेकिन कुछ देर बाद सुना आपने, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह किया कि हमारे देश को कैसे इकोनॉमी मजबूत बनाया जा सकता है, ग्लोबल की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इतने समय से जिस इंडिया के नाम को अंग्रेजों के दिए हुए नाम को हम घिसा पिटा यूज कर रहे थे, उसका नाम बदलकर आज भारत किया जाता है। आज से नोट बंद कर दिए जाएंगे, नए नोट चला दिए जाएंगे, आज से GST लागू कर दी जाएगी, आज पुलवामा अटैक का वापिस जो है बदला लिया गया। न्यूज आ गई, आई कि नहीं आई? तो किससे मिली? आपको रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से। रेडियो और दूरदर्शन ऐसे माध्यम हैं, रेडियो दूरदर्शन में आपकी टीवी आ जाती है, टेलीविजन आ जाता है, यूट्यूब भी उसमें आ जाता है। तो रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों को मनोरंजन और शिक्षा दोनों मिलती है। यह संचार का सबसे बड़ा महत्व है। क्या है? सबसे बड़ा महत्व। संचार के साधन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के साथ जनता को जागरूक बनाने के सबसे प्रभावी माध्यम है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि बुराइयों को खत्म करते हैं,
सामाजिक बुराइयों को दूर करते हैं, ये तो सच्चाई है। लेकिन कभी कभी बुराइयाँ, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है सोशल मीडिया पर, आजकल गवर्नमेंट उस पर पता नहीं क्यों बैन नहीं लगा रही, जो समाज को बिगाड़ने में लगी हुई है पूरी तरह से, है ना। तो होता ही है ये चीज़, लेकिन वास्तव में देखें तो संचार का सही अर्थों में महत्व क्या है, समाज की बुराइयों को ख़त्म करना, शिक्षा का विकास करना, जनता को जागरूक करना। जैसे वो क्राइम कंट्रोल आता है, आप लोग देखते होंगे, है ना, दया वगैरह का, है ना, उसमें देखते हैं तो जनता जागरूक होती है उस सीरियल को देख के कि यार ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, मुझे नहीं करना है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं 1% की, ऐसा किया जा सकता है यार, प्लान अच्छा बताया इन्होंने ना, लेकिन 99% वो जागरूकता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जागरूकता के लिए। तीसरा, संचार के साधनों के माध्यम से मौसम संबंधी भविष्यवाणी प्रसारित की जाती है, जिससे कृषि यातायात व अन्य क्षेत्रों में होने वाली क्षति से कम हो गई है, नुकसान कम हो गया है। कैसे? जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, मौसम विभाग न्यूज़ देता है कि आज शाम को 5 बजे भयंकर बारिश आने वाली है। इससे क्या होगा, जिनके खेतों में कृषि के ढेर पड़े हुए हैं, मतलब जैसे मूंग है, मोठ है, गंवार है, बाजरा है, चावल है, वो खराब हो जाती है फसल काटी हुई, तो उसके ऊपर तिरपाल वगैरह या उसको ढक के रख देते हैं कि बारिश आने वाली है। किसने चेताया? मौसम ने, पहली बात तो ये। दूसरा, मौसम खराब होने वाला तो कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा घर से, वो प्रयास करेगा जैसे पास में नदी क्षेत्र है, ऐसी जगह है, तो बाहर नहीं जाएगा। इससे क्या होता है, जागरूकता के साथ मानव विशेष की सूचना से सुरक्षा भी होती है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। सूचना से जागरूकता फैलती है, सूचना से सुरक्षा भी होती है, सूचना से शिक्षा भी फैलती है। सूचना बहुत बड़ा साधन है, जिसको हम ऐसे ही मानता है छोटा सा, लेकिन इसके ढेर सारे महत्व है। देखो आप, कृषि करने वालों के लिए, यातायात यानी परिवहन करने वाले लोगों के लिए, अगर सूचना टाइम पर मिल जाएगी, आज बादल गड़गड़ाएंगे, बिजलियाँ गिरेगी, ओले गिरने की पूरी संभावना है, कृपा करके अपने घर में रहे, होता है कि नहीं होता है? तो वह माध्यम हुआ। क्या हुआ? माध्यम। आगे देखिए, संचार के साधन व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक तो है ही, इनके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है। संचार के जो साधन होते हैं वो व्यापार यानी बिजनेस को तो बढ़ाते ही है, वाणिज्य के विकास में सहायक तो है ही, इनके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है, यानी पिछड़े जो क्षेत्र है उनके विकास में भी सहायता मिलती है। किससे भाई? जैसे मान लो मुझे कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि आज पढ़ाने के लिए मान लो ये मार्कर खराब हो गया और मुझे चाहिए, एक तो मैं जाऊंगा आऊंगा, पता नहीं कितना समय खराब होगा, परिवहन का उपयोग लूंगा, परिवहन भी तो अच्छा है भारत में, पढ़ा ना हमने पूरा इसी चैप्टर में तो पढ़ा है परिवहन, है ना, आप सोच रहे हो पता नहीं कब पढ़ा। तो जाऊंगा और लाऊंगा परिवहन के माध्यम से, ठीक है। एक मैंने घर बैठे बैठे ऑर्डर किया संचार के माध्यम से, फिर मेरे पास मैसेज आ गया, कॉल आ गया, भाई साहब मैं बाहर आ गया घर के, मैं जाता हूँ लेके आ जाता हूँ, किस कैसे संभव हुआ? परिवहन प्लस संचार से हर चीज को संभव किया जा सकता है। इसलिए संचार का महत्व, व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और वाणिज्य को बढ़ाया जा सकता है। व्यापार को कैसे? जैसे आप लैपटॉप में, मतलब जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, उसके क्लाइंट पूरे देश में फैले हुए, तो वो उन सबसे एक साथ मीटिंग करना चाहता है, तो एक तो माध्यम है सबको बुलाए, और दूसरा उन सबको लैपटॉप के माध्यम से जूम मीटिंग कर ले उनकी, कि कौन कहाँ है। व्यापार को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। शिक्षा को बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोगों से मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो मैं संडे लाइव वार्ता में आपसे कनेक्ट हो जाता हूँ, उसके अलावा जूम मीटिंग रख ले तो उसमें कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे कनेक्ट होते हैं। फिर है, संचार के माध्यमों द्वारा जन सामान्य को आर्थिक व वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी मिलती है, तथा देश के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार होता है। अब बताओ चंद्रयान 3 का किसने बताया? मोदी घर पे तो आके बता के गया नहीं आपको। चंद्रयान 3 के माध्यम से, चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया, वो चंद्रमा पे पहुंचा, ये सारी चीजें, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा, ये दक्षिण की तरफ लैंडिंग किया गया, ये सारी चीजें हमको कैसे पता चली? हमको पता चली सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, न्यूज से। इसलिए कहा गया है कि संचार के माध्यम से जन सामान्य यानी जनता जो है आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति की, कि देश में क्या आर्थिक रूप से किया जा रहा है और वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं देश के, इसकी जानकारी मिलती है। आर्थिक रूप से देश के लिए क्या स्कीम आ रही है, कौन सी नई स्कीम मोदी जी निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री नई स्कीम निकाल रहा है, उससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा, किसानों को क्या मिल रहा है, वाणिज्य वर्ग को क्या मिल रहा है, गरीब व्यक्ति को क्या मिल रहा है, बच्चे जो पढ़ते हैं उनको क्या छात्रवृत्ति मिल रही है, आर्थिक रूप से ये चीज़ें और वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी भी मिलती है। कितनी छात्रवृत्ति और किसको कितना ऋण मिल सकता है, कितना ऋण माफ हो सकता है, तो आर्थिक में आ जाएगा और वैज्ञानिक में चंद्रयान जैसी बातें आ जाती हैं। ये सब कैसे पता चलती है? संचार से। देश में वैज्ञानिक और तकनीकी का ज्ञान बढ़ता ही है। फिर है, संचार के साधन समाज के विभिन्न वर्गों को परस्पर जोड़ने का कार्य भी करते हैं, इससे राष्ट्रीय एकता का वातावरण भी निर्मित होता है। संचार जो होता है उसके साधन समाज के अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनको परस्पर जोड़ने का कार्य भी करते हैं, और इससे राष्ट्रीय एकता का वातावरण भी बनता है।
मतलब संचार से राष्ट्रीय एकता, जैसे कि मैं यहाँ खड़े होकर कहता हूँ हमारा देश हमारा झंडा हमारा गौरव है, तो आपके कहीं ना कहीं आप में राष्ट्रीय भावना और चेतना जगती है, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी की बातें करना है इसमें। आगे देखिए, संचार के साधनों द्वारा विचारों का विनिमय होता है और धन के स्थानांतरण में भी सहायता मिलती है। आज देखो पेटीएम वगैरह, आप कह दिया मैंने किसी को पेटीएम कर देना, वो डाल देता है पैसे, तो क्या हुआ, सूचना का आदान प्रदान हुआ, इसलिए धन की निकासी और आगमन जागमन होता रहता है, ठीक है ना। तो विचारों का विनिमय का मतलब है आदान प्रदान, आवागमन होता रहता है विचारों का, आना और जाना। मैं आपको अपने विचार दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने विचार मुझ तक पहुंचा रहे, तो ये आपको समझ में आ गया। मतलब आठवां, वर्तमान समय में संचार के साधनों द्वारा सर्वेक्षण विज्ञापन, देखो इस चीज को समझो आप, सर्वेक्षण विज्ञापन चेतावनी परामर्श आदि भी दिए जाने लगे, महामारियों में नियंत्रण पाने में भी सहायता मिली। मतलब पहले, आजकल क्या होता है, एक चीज और चल रही है आपको पता नहीं हो तो बता दूं, पहले हम भाग के डॉक्टर के पास जाते थे, एक छोटी सी दिक्कत हो जाती थी, आजकल आप सीधा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और सीधा डॉक्टर को 200 रुपए फोन पे करते हैं और सीधा उनसे कंडक्ट हो जाते हैं, समस्याएं बताते हैं, वो आपको वहां से ही दवाई बता देते हैं, ये दवाई मेडिकल से लेके आ जाओ, आपका काम हो जाता है छोटी समस्याओं के लिए। तो ये क्या हुआ, परामर्श हुआ, ये क्या हुआ, परामर्श। दूसरा, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन फीस जमा कराते हैं बच्चे और पढ़ सकते हैं, सीधा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये परामर्श है। चेतावनी, किसी भी प्रकार की चेतावनी किसी को देनी है तो इससे दे सकते हैं। विज्ञापन देना है आपको, एड देना है, जैसे किसी भी प्रकार का, किसी ने हॉस्पिटल खोला उसको एड देना है, किसी ने कोई फैक्ट्री खोली, किसी ने कोई कपड़े की दुकान खोली, किसी ने कोई स्कूल खोला है उसे एड देना, तो विज्ञापन देने का माध्यम क्या है, सूचना और संचार है, ठीक है। परामर्श, सर्वेक्षण, किसी चीज का सर्वे करना है कि भारत में बेरोजगार कितने, एक लिंक दे दिया, क्या आप रोजगार है आपके पास, क्या आपके पास रोजगार नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो नहीं पे क्लिक करेगा, जिसके पास है वो किस पे करेगा, है पर, तो ऐसे एक सर्वेक्षण हो जाता है, किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। तो आदि चीजों से संचार जो आज बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गया, और आपने इन 10-15 मिनट में संचार को अच्छे से जाना है, समझा है, संचार एक अपना लेवल रखता है और वास्तव में एक इंपॉर्टेंट और शानदार लेवल रखता है, ठीक है ना। तो इस पूरे चैप्टर में और इस लास्ट लेक्चर में हमने ऐसी छोटी छोटी कई बातें की जो परिवहन और संचार से संबंधित थी। कल से हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मजे के साथ शांति के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुत आगे बढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद।